जो मेरे प्रिय दिमालक साहेब श्री गुरु हरगोबिंद साहेब सच्चे पातशाह का प्रकाश पर्व है। मैं समुचे सिख जगत में गुरु नानक नाम लेवा सिख संगता में गुरु खालसा पंथ हूँ इस महान प्रकाश पर्व दियाँ बहुत 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 बधाइयां देने। श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ऐसे समर्थ सतगुरु सन जिन्हों ने वक्त की हुकूमत के नाल जबर का नाश करने के लिए जुल्म का नाश करने के लिए चार युद्ध लड़े, चारों के फतह प्राप्त की, श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना की, मेरी पीरी दियाँ दो तलवारां धारण कीतियां और श्री अकाल तख्त साहब के स्थान के उत्ते जंगी करतब करने करवाने, घोड़सवारी करनी करवानी, जंगी अभ्यास करने करवाने प्रारंभ किए और सिखां नूं एक कवायत जिहड़ी है एक विच माहर फौज जिहड़ी है श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने बख्शी और उस फौज ने दिल्ली के तख्त का मुकाबला किया और चार जित्तां प्राप्त कीतियां। श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह की शख्सियत बहुत वड्डी है, उन्हों का उपदेश बहुत महान है जिहड़ा हमेशा ही सिख हिरदियां नूं दिशा निर्देश दिंदा, रोशनी विखाउंदा रहा और रहिंदी दुनिया तक रहेगा। मैं एक बार फिर श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह के प्रकाश पुरब दियाँ समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां ते समुचे गुरु खालसा पंथ नूं बहुत 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 बधाई दिना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। जो मेरी प्रिय दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह का प्रकाश पुरब है। मैं समुचे सिख जगत में गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं गुरु खालसा पंथ नूं इस महान प्रकाश पुरब दियाँ बहुत 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 बधाइयां देने। श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ऐसे समर्थ सतगुरु सन जिन्हों ने वक्त की हुकूमत के नाल जबर का नाश करने के लिए जुल्म का नाश करने के लिए चार युद्ध लड़े, चारों के फतह प्राप्त की, श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना की, मेरी पीरी दियाँ दो तलवारां धारण कीतियां और श्री अकाल तख्त साहब के स्थान के उत्ते जंगी करतब करने करवाने, घोड़सवारी करनी करवानी, जंगी अभ्यास करने करवाने प्रारंभ किए और सिखां नूं एक कवायत जिहड़ी है एक विच माहर फौज जिहड़ी है श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने बख्शी और उस फौज ने दिल्ली के तख्त का मुकाबला किया और चार जित्तां प्राप्त कीतियां। श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह की शख्सियत बहुत वड्डी है, उन्हों का उपदेश बहुत महान है जिहड़ा हमेशा ही सिख हिरदिया नूं दिशा निर्देश दिंदा, रोशनी विखाउंदा रहा और रहिंदी दुनिया तक रहेगा। मैं एक बार फिर श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह के प्रकाश पुरब दियाँ समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां ते समुचे गुरु खालसा पंथ नूं बहुत 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 बधाई दिना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। जो मेरी प्रिय दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह का प्रकाश पुरब है। मैं समुचे सिख जगत में गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं गुरु खालसा पंथ नूं इस महान प्रकाश पुरब दियाँ बहुत 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 बधाइयां देने। श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ऐसे समर्थ सतगुरु सन जिन्हों ने वक्त की हुकूमत के नाल जबर का नाश करने के लिए जुल्म का नाश करने के लिए चार युद्ध लड़े, चारों के फतह प्राप्त की, श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना की, मेरी पीरी दियाँ दो तलवारां धारण कीतियां और श्री अकाल तख्त साहब के स्थान के उत्ते जंगी करतब करने करवाने, घोड़सवारी करनी करवानी, जंगी अभ्यास करने करवाने प्रारंभ किए और सिखां नूं एक कवायत जिहड़ी है एक विच माहर फौज जिहड़ी है श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने बख्शी और उस फौज ने दिल्ली के तख्त का मुकाबला किया और चार जित्तां प्राप्त कीतियां। श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह की शख्सियत बहुत वड्डी है, उन्हों का उपदेश बहुत महान है जिहड़ा हमेशा ही सिख हिरदियां नूं
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।